दोस्तों, वेलकम टू अमित सर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम लक्ष्मी कर्ण है। मैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हर कुछ जो भी आपको पढ़ना है बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और मैं वहाँ पर एज एन एजुकेटर पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ पर मिडल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हमारा खिलजी वंश वहाँ पर चल रहा है, और एनिशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, और मैथ्स के भी कुछ पार्ट्स वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है या फिर प्रिपरेशन आपके कर रहे हैं और एग्जाम आने वाला है, तो फिर आप मुझे वहां से फॉलो करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो फिर यहाँ पे भी वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे इस लेसन में क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि हमको मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जो गुलाम वंश थे उनके शासकों के नाम हम जान चुके हैं, अच्छे से क्रम के अनुसार जान चुके हैं। होप्स आप लोगों ने याद कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं याद किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप याद कर ले, वो आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि हमेशा अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सबसे पहले संस्थापक कौन थे, अंतिम संस्थापक कौन थे, या फिर क्रम के अनुसार बताइए, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आप उनको देख लीजिए वो लेसन को, अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। गुलाम वंश जो था हमारा, दिल्ली संतल का सबसे पहला वंश था, जो कि 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1290 ईस्वी में खत्म हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश कब शुरू हुआ था, तो 1206 ईस्वी में, और कब खत्म हुआ था, तो 1290 ईस्वी में। तो चलिए आज के इस लेसन में देख लेते हैं हमें किस शासक के बारे में जानना है। जैसे कि हम क्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये सोच कर मत पढ़िएगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो इनको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तो इनको नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे कमियां हो जाती हैं। हमें सारे शासकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी पूछ लिया जाए तो हमें उनके बारे में पता हो। तो चलिए आज का लेसन हम तैयार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे बारे में अन अकेडमी लर्निंग ऐप का कुछ आप प्रोफार्मा बोल सकते हैं या फिर बायोडाटा बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है। आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप लक्ष्मी कर्ण नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। LAXMI का लक्ष्मी, KARN कर्ण नाम से सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। खैर, वो तो अन अकेडमी का था, और आज का हमारा जो लेसन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे हमारे, उनका शासन काल कैसा था उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि 1236 ईस्वी में आए और 1236 ईस्वी में ही चले गए। तो देख लेते हैं कैसे उनका शासनकाल चला था। उनकी माता का नाम, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता का नाम क्या था, तो शाह तुर्कान था। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनके शासनकाल में निभाया था, तो इस चैप्टर में भी पता चल जाएगा हमें। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, तो इल्तुतमिश के दो पुत्र होते हैं, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो होते हैं, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं और लाहौर की सरकार का प्रबंध संभाल चुका था। वह विलासी प्रवृत्ति होने के कारण शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता था, इसलिए उसे विलास प्रेमी जीव कहा गया है। वह विलासी प्रवृत्ति का था, और इस वजह से ही वह शासन के काल में वह मतलब जो शासक था उसका, जो शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह जी थे, वो अपने शासन में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, और इसी वजह से उनका शासन ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं। रुकनुद्दीन ने सुल्तान बनने के गुणों की सर्वथा अभाव था। रुकनुद्दीन के अंदर सुल्तान बनने के गुण बिल्कुल ही नहीं थे, इसका सर्वथा उनके अंदर अभाव था। इसी वजह से वो 1236 में आए और 1236 में ही चले गए। यद्यपि रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक था, फिर भी शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान, मैंने बोला ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि शाह तुर्कान की बहुत भूमिका थी उनकी माता का। उन्होंने अपने हाथों में पूरी बागडोर ले रखी थी, और जो कि तुर्की दासी की थी, वो मूलतः एक तुर्की दासी थी, तुर्क से आई थी, तुर्क की दासी थी वो। रुकनुद्दीन एवं उसकी माँ के अत्याचारों के चारों ओर विद्रोह फैल चुके थे। उन्होंने इतना विद्रोह स्टार्ट कर दिया था कि उनका विद्रोह चारों ओर फूट पड़ा, सब लोग उनका विद्रोह करने लगे। इतना ज़्यादा अत्याचार वो करते थे वो दोनों मिलके, कि सारे लोग फिर उनका विद्रोह करने लगे। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए, जैसे ही आपके जो वो थे आगे, जैसे ही आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इसी विद्रोह को दबाने के लिए, रुकनुद्दीन जो थे उनकी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके आती हैं। लाल वस्त्र यहाँ पे धारण करके आने से मतलब है
कि जो पहले जमाने में जब लाल वस्त्र धारण किया जाता था तो यही कहा जाता था कि न्याय की भीख मांगना। तो लाल मतलब अगर लाल वस्त्र धारण करके कोई आता है तो यही माना जाता था कि उसको न्याय न्याय चाहिए और वो न्याय की भीख मांगना है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं। तो उस समय लाल वस्त्र पहनकर ही न्याय मांगी जाती थी, जनता के सामने उपस्थित होकर शाह तुर्कान विरुद्ध सहायता मांगी। फिर रजिया सुल्तान ने जनता के सामने उपस्थित होकर शाह तुर्कान के अगेंस्ट उन्होंने सहायता मांगी, हेल्प मांगी। जनता ने उत्साह के साथ रजिया सुल्तान को रुकनुद्दीन फिरोज शाह के दिल्ली के घुसने के पूर्व ही तख्त पर बैठा दिया। किसी काम से जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे वो दिल्ली से बाहर गए हुए थे, उसके आने से पहले ही रजिया सुल्तान को लोगों ने जनता ने उनको पब्लिक ने उन्हें गद्दी पर बैठा दिया दिल्ली के। बाद में रुकनुद्दीन को कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में रुकनुद्दीन को कैद करके उसकी हत्या कर दी गई। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर लक्ष्मीकर नाम से सर्च करके फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी।